हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम 24 मई 2023 का न्यूज़ डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू एडिशन। ये जो न्यूज़ है जो हम एडिटोरियल पे बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अबाउट ब्रिक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे क्लैट हो गया, एलेट हो गया और भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स हो गया, तो वहाँ पर इंटरनेशनल या मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो न्यूज़ होते हैं, चाहे बेसिक इन्फॉर्मेशन हो चाहे या जो कंटेम्प्रेरी ट्रेंड चल रहे हैं उसमें, उसको लेके काफ़ी बात ज़्यादा होती है। सो हियर वी आर गोइंग टू फोकस ऑन ब्रिक्स। अलॉन्ग विद दैट वी आर ऑल्सो गोइंग टू फोकस अबाउट दी हिंडनबर्ग अडानी इशू एंड द रिपोर्ट सबमिटेड बाई AM सप्ले कमिटी टू द सुप्रीम कोर्ट। सो बिफोर गोइंग टू दैट, लेट्स हैव सम न्यूज फ्रॉम द फ्रंट पेज। सो यहाँ पे फिर हम देख रहे हैं दैट ₹2,000 नोट्स रिच बैंक्स अमिड हिकअप्स। तो हम जैसा कि जानते हैं कि RBI ने अनाउंस किया है कि September 30, 2023 तक 2,000 के नोट्स जो हैं वो एक्सचेंज हो जाने चाहिए, जो बैंक 19 का जो नोटिफिकेशन है सो RBI का, तो दैट द ₹2,000 नोट इट हैज़ बीन विदड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलेशन। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है ध्यान में रखना है कि RBI के नोटिफिकेशन के हिसाब से जो सर्कुलेशन है वो विदड्रॉ हुआ है, बट 2,000 का जो नोट है इट इज़ स्टिल अ लीगल टेंडर। द नेक्स्ट इज़ कि किस पॉलिसी के अंदर ये नोट्स जो हैं वो एक्सचेंज होने हैं, देन इट इज़ कॉल्ड एज क्लीन नोट पॉलिसी। क्या कहते हैं हम इसको, क्लीन नोट पॉलिसी। तो अब क्लीन नोट पॉलिसी का अगर हम बात करें तो क्लीन नोट पॉलिसी क्या होता है RBI का, वो थोड़ा सा समझ लें। तो क्लीन नोट पॉलिसी का मतलब कि जो पुराने नोट्स हैं, ओल्ड नोट्स हो गए, सॉइल नोट्स मतलब जो ख़राब हो गए हैं, या कोई काउंटरफिट नोट्स है, उनको जो है सर्कुलेशन से हटाना, दैट इज़ कॉल्ड एज क्लीन नोट पॉलिसी। तो जो क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर अगर आप 2000 नोट्स की बात, अगर हमने जो कल पढ़ा था अगर ध्यान दें, तो जितने भी 2000 के नोट्स हैं अब वो 4 से 5 साल पुराने हो चुके हैं, और किसी भी नोट की जो एक लाइफ होती है वो 4 से 5 साल ही होती है। लास्ट टाइम जब RBI ने 2000 के नोट्स प्रिंट किए थे वो था 2018-19, तो अब अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स हो चुके हैं उस बात को। सो नाउ RBI वॉन्ट दैट दिस नोट्स नाउ शुड बी रिमूव फ्रॉम द सर्कुलेशन अंडर द क्लीन नोट पॉलिसी। अब यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखें कि थोड़ा हिकअप्स की क्या बात है, तो हिकअप्स की ये बात है कि RBI ने कहा है कि आप एक दिन में मैक्सिमम 20,000 का नोट्स जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। यू कैन एक्सचेंज अप टू 20,000 ऑफ नोट्स पर डे। इसके बाद यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट भी जो है इसके अंदर, कि क्योंकि ये क्लीन नोट पॉलिसी के अंदर है तो यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी कार्ड दिखाने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल सम देर आर रिपोर्ट्स दैट सम ऑफ द बैंक्स दे आर डिमांडिंग द आइडेंटिटी कार्ड और एक्विजिशन स्लिप फॉर एक्सचेंजिंग द नोट्स। द नेक्स्ट इज अपडेट NPR टू एनुमरेट सेल्फ ड्यूरिंग नेक्स्ट सेंसस। तो जो सेंसस है जो 2021 में होने वाला था, दैट इज सेंसस 2021, उसको इनडेफिनेटली पोस्टपोन कर दिया गया है। सेंसस 2021 की में जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि दैट इट विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस विच विल गिव सिटीजन एन अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ एनुमरेट जब भी ये कंडक्ट होगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया है कि अगर सिटीजन दे वॉन्ट टू एक्सरसाइज द राइट टू फिल द सेंसस फॉर्म ऑन देयर ओन, मतलब वो चाहते हैं कि जो सेंसस फॉर्म है वो हम खुद फिल करें क्योंकि ये डिजिटल फॉर्मेट में होगा, रैदर दैन द गवर्नमेंट एनुमरेटर्स जो डोर टू डोर जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले सिटीजन को अपना नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डिटेल्स जो है उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज़ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो जो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर है इट इज़ द डेटा ऑफ यूजुअल रेजिडेंस, ठीक है। सो इट इज़ द डेटा ऑफ यूजुअल रेजिडेंस। तो यूजुअल रेजिडेंस का मतलब कि जो 6 महीने या उससे ज़्यादा हमारे देश में रह रहे हैं, वो डेटा जो होता है वो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में होता है। दूसरी चीज़ जो होती है दैट इज़ NRC, दैट इज़ नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, उसमें सिर्फ सिटीजन्स के डेटा होते हैं, दैट इज़ नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स। दैट इज NRC, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया ऑस्ट्रेलिया टाइज बिल्ड ऑन ट्रस्ट। सो इंडिया ऑस्ट्रेलिया, तो अगर आप देखें तो G20 में भी हैं, साथ साथ में ये दोनों क्वाड के मेंबर्स भी हैं। हमारे जो प्रेसिडेंट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले ही विजिटेड हिरोशिमा, आफ्टर दैट पापुआ न्यू गिनी एंड नाउ ऑस्ट्रेलिया।
ओके सो अब ऑस्ट्रेलिया में अगर हम देखें, यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस के बारे में बात हो रही है, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस में वी ऑलरेडी हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया, देन वी ऑल्सो हैव अ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, वो तो है ही। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा डीकेएन यूनिवर्सिटी के बारे में, दिस इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, इट इज एन ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी विच इज गोइंग टू ओपन इट्स ऑफशोर कैंपस इन इंडिया, दैट इज इट गिफ्ट सिटी गुजरात। उसके बाद यहाँ पे एक वन लाइनर है जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, दैट इज अ सबर्ब इन ऑस्ट्रेलिया जिसको कहते हैं हैरिस पार्क, ठीक है, हैरिस पार्क, तो इसका अब नाम कर दिया गया है लिटिल इंडिया। तो ये पहला इंफॉर्मेशन है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द सेकेंड इज दैट मिस्टर मोदी इट इज हैज अनाउंस्ड दैट इंडिया वुड ओपन अ कंसुलेट इन ब्रिस्बेन, ठीक, ये सेकेंड इंफॉर्मेशन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, कभी कभी वन लाइनर में पूछ लेते हैं कि कहाँ पे ये इवेंट हुआ था, देन सी द प्राइम मिनिस्टर वॉज गिवन अ राउजिंग वेलकम बाई थाउजेंड्स ऑफ इंडियंस हु थ्रॉन्ग द क्यूडोज बैंक अरेना, सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्यूडोज बैंक अरेना। अब हम आते हैं द पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स इट्स न्यू पाथवे। तो अगर आप देखें तो ब्रिक्स, तो यहाँ पे हम देखिए दो चीज़ें डिस्कस करेंगे, पैराडॉक्स मतलब काफ़ी सारे कॉन्ट्राडिक्शंस आप कह सकते हैं कि इस ग्रुपिंग्स में कॉन्ट्राडिक्शन है, बट स्टिल ब्रिक्स जो है इट इज़ लुकिंग फॉर इट्स एक्सपेंशन, ठीक। अब हम पहले कॉन्ट्राडिक्शन के बारे में बात कर लेते हैं कि ये ऐसा क्यों कहा गया है कि द पैराडॉक्स ऑफ ब्रिक्स एंड इट्स न्यू पाथवे। सो जस्ट सी द मेंबरशिप ऑफ ब्रिक्स, सो इट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रिक्स, ठीक, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स से पहले एक और ग्रुपिंग बनी थी जहाँ पे तीन देश थे, इसको हम कहते थे इप्सा, क्या कहते थे हम, इप्सा, दैट इज इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका, ठीक, इंडिया, ब्राज़ील एंड साउथ अफ्रीका। अब यहाँ पर अगर हम देखें इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका, तो चाइना भी इस ग्रुपिंग को ज्वाइन करने चाहता था, तो चाइना ने और रशिया ने इस ग्रुपिंग को ज्वाइन किया 2003 में। अगर हम देखें तो इप्सा बना, उसके बाद ब्रिक बना, BRIC, देन लेटर साउथ अफ्रीका ऑल्सो ज्वाइंड इट एंड देन इट बिकेम ब्रिक्स। अब ये जो आपका टर्म है ब्रिक, इसको सबसे पहले कॉइन किसने किया था, जेम ओ'नील, ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आता है, दैट हु कॉइन्ड द टर्म ब्रिक, BRIC, जेम ओ'नील। तो यहाँ पे चार मेजर, फोर एमर्जिंग इकोनॉमिक, इसको मिला के एक टर्म कॉइन किया गया था, फोर एमर्जिंग इकोनॉमिक। उसके बाद हम देखें, सो इफ यू जस्ट कंपेयर ब्रिक्स विद अदर इंटरनेशनल ग्रुपिंग्स, सो इफ यू विल सी, सो सी द नॉन अलाइंड मूवमेंट, नॉन अलाइंड मूवमेंट जहाँ पे इंडिया इसका एक फाउंडर मेंबर है, नॉन अलाइंड मूवमेंट इट वॉज अ पॉलिसी, यू कैन से अ फॉरन पॉलिसी ऑफ इंडिया वेयर द इंडिया अप्रोच टू वर्ल्ड वॉज नॉट टू गेट अलाइंड विद आइदर सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड देन G77, दैट इज द ग्रुपिंग ऑफ 77 डेवलपिंग नेशंस, सो दे हैड देयर हेड इन कोल्ड वॉर एरा, ठीक है, मतलब काफ़ी रेलिवेंट है, बट दे जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया, जब अगेन द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर, सो दे लॉस्ट देयर रेलेवेंस। उसके बाद अगर हम SAARC की बात करें, दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, तो इसका जो समिट है इट एंडेड इन 2014, द लास्ट समिट वॉज हेल्ड इन नेपाल। उसके बाद ये पाकिस्तान में होने वाला था, बट उसके बाद जब इंडिया में काफ़ी सारे अटैक्स हुए तो इंडिया ने समिट अटेंड करने से इस्लामाबाद में मना कर दिया, तब से इसकी कोई समिट नहीं हुई है। उसके बाद अगर हम एशियान की बात करें, दैट इज़ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो यहाँ पे भी चाइना और म्यांमार को लेके काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जेंस है, देर आर सर्टन कंट्रीज इन एशियान हु आर प्रो चाइना, देर आर सर्टन कंट्रीज इन एशियान हु हैव प्रॉब्लम विद द एक्सपेंशन, नेवल एक्सपेंशन ऑफ चाइना और मैरीटाइम डिस्प्यूट विद चाइना। उसके बाद अगर आप देखें ब्रिक्स को, तो ब्रिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा चैलेंज है, खासकर दो कंट्रीज़ को लेकर, दैट इज़ इंडिया एंड चाइना। सो इफ यू कैन सी COVID-19 के टाइम एक प्रॉब्लम है, गालवान वैली क्लैश एंड देन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इट हैज़ रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक स्ट्रेस,
डैमेजिंग द इंडिया चाइना टाइज एंड टर्न रशिया इन टू अ डिमिनिशिंग पावर. सो दिस इज द पैराडॉक्स विच द ऑथर इज रेफरिंग टू. उसके बाद अगर हम देखें इप्सा और ब्रिक्स में, तो इप्सा पहले बना था, ब्रिक्स बाद में बना था. बट इप्सा में कोई सम्मिट नहीं हुआ है 2011 के बाद से, बट ब्रिक्स ने पिछले 13 सालों में 14 सम्मिट लिया है. उसके बाद इफ यू विल सी द फोकस ऑफ ब्रिक्स, इट हैज फोकस्ड अटेंशन ऑन टू इंपॉर्टेंट थिंग्स. वन इज जियोपॉलिटिकल डायमेंशन एंड द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक डायमेंशन. जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बाद अगर आप देखें ब्रिक्स के अंदर ही अगर आप देखेंगे जैसे प्रॉब्लम्स जो हैं वो कितने सारे हैं, तो उसके पहले अगर हम देखें तो ब्रिक्स जो है उसने इकोनॉमिक फ्रंट पे कैसे फोकस किया है. सो देर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस विच हैज बीन एस्टेब्लिश्ड बाय ब्रिक्स. वन इज न्यू डेवलपमेंट बैंक विच इज हेडक्वार्टर्ड एट शंघाई, जिसकी अभी नई नई प्रेसिडेंट बनी है डिल्मा रोसेफ. ओके, तो अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक देखिए, इट वॉज लॉन्च्ड अंडर फोर्टिलिजा एग्रीमेंट 2014 एंड द ब्रिक्स समिट विच वॉज हेल्ड इन ब्राजील. सो इट हैज टिल नाउ कमिटेड $32.8 बिलियन इन 96 प्रोजेक्ट्स. ठीक है, द सेकेंड इज द कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट. तो इट इज अ जस्ट लाइक जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होता है तो उसमें जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड की जाती है, ये उस तरीके का एक अरेंजमेंट है. सो यू कैन सी इट इज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द ग्लोबल लिक्विडिटी प्रेशर. ओके, एंड देन देर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टू एक्सपांड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन अमंग द फाइव मेंबर कंट्रीज. अब हम उसके नेगेटिव ट्रेंड में आते हैं. फाइन, अब जब इप्सा गॉट कन्वर्टेड इनटू ब्रिक्स, तो सी सो व्हेन इप्सा गॉट कन्वर्टेड इनटू ब्रिक्स, तो ये एक एक्सपेक्टेशन था कि चाइना एंड रशिया हु आर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दे विल सपोर्ट द बिड ऑफ इंडिया एंड ब्राजील फॉर परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, विच हैज नॉट हैपेंड. ओके, उसके बाद इफ यू विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम, that is rise of China. So China's dramatic economic rise and more importantly military assertiveness. So यहाँ पे जो एक inner cohesion होता है grouping का, वो थोड़ा सा disturb हो गया है. The next is the post Ukraine consolidation of Russia-China cooperation. That is one which is happening. That is a growing closeness between Russia and China after the Russia-Ukraine war. The next is economic malaise in South Africa, which is accelerating its dependence on China, and Brazil's long fling with rightist policies has followed by the return of Lula da Silva as the president have generated new tensions. ठीक, उसके साथ अगर आप देखेंगे, so currently Beijing is pushing for a common currency for intra-BRICS trade is also symptomatic of the group's inner troubles. ठीक है, कि जैसे कि यहाँ पे बेजिंग जो है या चाइना जो है वो एक अल्टरनेटिव, जैसे कि हमने बात की थी डी-डॉलराइजेशन के बारे में, तो यहाँ पे ब्रिक्स भी एक इनिशिएटिव ले रहा है कि हमारे बीच में भी ट्रेड करने के लिए एक करेंसी होनी चाहिए जो डॉलर की डिपेंडेंसी को रिड्यूस करे. अब अगर हम देखें तो इतना पैराडॉक्स होने के बावजूद भी देर आर मैनी कंट्रीज विच आर ईगर टू ज्वाइन दिस ब्रिक्स. ऐसा क्यों है, वाई, द क्वेश्चन इज वाई. ऐसा इसलिए है कि अगर आप देखें तो ये सबसे रेलेवेंट ग्रुपिंग है, which is not restricted to a particular continent or particular geopolitical era. So if you will see that there are many countries, for example from Latin America, Argentina, Nicaragua, Mexico and Uruguay, they want to become the member. From Africa you have Nigeria, Algeria, Egypt, Senegal and Morocco. And then from Asia you have 10 countries, then Saudi Arabia, United Arab Emirates, Turkey, Syria, Iran, Afghanistan, Indonesia, थाईलैंड, कजाकिस्तान एंड बांग्लादेश, दे ऑल आर ईगर टू बिकम द मेंबर ऑफ ब्रिक्स. तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें चाइना को क्या फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज चाइना ने लास्ट समिट में एक मैकेनिज्म प्रपोज किया था जिसको कहते हैं ब्रिक्स प्लस मैकेनिज्म, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, ब्रिक्स प्लस मैकेनिज्म. तो इस ब्रिक्स प्लस मैकेनिज्म में देखिए क्या है कि यहाँ पे जो चाइना है वो ब्रिक्स के मेंबरशिप को बढ़ाना चाहता है कि ताकि जो उसका चाइना का जो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है वो इन तरीकों से बढ़े. तो दैट इज वन ऑफ द सेवरल रीजन दैट व्हाई ब्रिक्स इज लुकिंग फॉर द एक्सपेंशन. सो यू कैन सी दैट चाइना इज पुशिंग द एक्सपेंशन एज अ स्ट्रेटेजिक डिवाइस टू एक्सटेंड इट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस. सेकेंड इज फियर ऑफ मिसिंग आउट. देर आर मैनी कंट्रीज, ओके, हु वॉन्ट टू बिकम द मेंबर, दे डू नॉट वॉन्ट टू गेट टू बी लेफ्ट आउट बिकॉज ब्रिक्स हैज सम विजिबिलिटी.
ओके उसके बाद देयर आर मेनी कंट्रीज व्हिच रियलाइज दैट वी कैन बिकम द मेंबर्स ऑफ ब्रिक्स एटलीस्ट इफ द डोर्स फॉर G20 एंड अदर ग्रुपिंग्स आर क्लोज्ड फॉर देम। उसके बाद ग्लोबल साउथ कॉन्सेप्ट जो बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है, जहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज होते हैं जो डिसीजन लेते हैं उसकी वजह से उनकी इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होती है। सो देर इज़ अ प्रिवेलिंग एंटी वेस्टर्न सेंटिमेंट्स अमंग द कंट्रीज ऑफ ग्लोबल साउथ एंड डिजायर टू क्रिएट अ साइजेबल फोरम विच कैन चैलेंज द वेस्टर्न कंट्रीज। द नेक्स्ट इज वेयर द नेक्स्ट ब्रिक्स समिट विल बी हेल्ड। सो द आंसर इज साउथ अफ्रीका ऑन August 23, 24। द नेक्स्ट इज अब साउथ अफ्रीका में होने वाला है समिट। अब जैसा कि आप जानते हैं कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उनके अगेंस्ट एक अरेस्ट वारंट है जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने लॉन्च किया है या रिलीज किया है। सो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि द साउथ अफ्रीका एज द होस्ट मे बी कंपेल्ड टू अरेस्ट एन ऑनर्ड गेस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, देयरफॉर चांसेस आर दैट अ डिजिटल समिट विल टेक प्लेस। तो ICC ने जो है वो अरेस्ट वारंट तो जारी किया है, तो अगर व्लादिमीर पुतिन विजिट करते हैं साउथ अफ्रीका में तो साउथ अफ्रीका को उन्हें अरेस्ट करना पड़ेगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए एक वर्चुअल समिट यहाँ पे होने का चांस बहुत ज़्यादा है। द नेक्स्ट इज एन अनक्लीन चिट। ठीक है, अनक्लीन चिट, तो यहाँ पे सेबी के फंक्शनिंग के बारे में बात हो रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं हिंडनबर्ग इशू के बारे में, तो देखिए हिंडनबर्ग रिसर्च ग्रुप ने जो एलिगेशंस लगाए हैं अडानी ग्रुप के अगेंस्ट, दोज एलिगेशंस आर एलिगेशंस ऑफ मैलफियांसेंस, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशंस, वायलेशंस ऑफ मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रिक्वायरमेंट्स इन अडानी ग्रुप फॉर्म। मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग का मतलब कि एक मिनिमम, अगर आप अपना IPO बेच रहे हैं पब्लिक के बीच में, तो एक मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कि जो ओनर की जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डिंग है, वो थोड़ी सी डाइल्यूट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए इन्वेस्टिगेट क्या करना है। अगर आप ध्यान से देखें कि ओनर ऐसे भी कर सकता है कि वो डिफरेंट शेल कंपनीज खोल दे और ये डिफरेंट शेल कंपनीज इसी को बिलोंग करती हैं, बट ये जो है वो सेबी या किसी रेगुलेटरी बॉडी को पता नहीं और यही लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी में। तो देखने में ऐसा लगेगा कि हाँ कि जो ओनर है उसकी जो शेयर होल्डिंग है वो कम है, बट इफेक्टिवली इट विल बी वेरी मोर। तो इस चीज़ को पता लगाना है। अब यहाँ पे सेबी ने 6 मंथ का एक्सटेंशन मांगा था पूरे प्रोब को कंप्लीट करने के लिए, बट सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त तक का टाइम दिया है। ओके, दैट इज 3 मंथ रिप्रीव। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन जो एक एलिगेशन है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट। तो सेबी ने यहाँ पे AM सप्रे लेट पैनल को कहा था कि देयर वर 849 ऑटोमेटेड अलर्ट्स, ओके, विच वर थ्रोन अप बाय स्टॉक एक्सचेंज इन 57 मंथ्स अप टू December 2022, विच हैज़ रिजल्टेड इन 4 रिपोर्ट्स। मतलब यहाँ पे सेबी ने बताया कि 849 अलर्ट्स पहले हमने रिलीज किए हैं 57 मंथ्स में। उसके बाद द नेक्स्ट इज कॉमन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होल्डिंग शेयर्स अक्रॉस द अडानी ग्रुप, जहाँ पे AM सप्रे रिपोर्ट ने सेबी का ध्यान लाया है। उसके बाद सेबी ने खुद एक फॉर्मल प्रोब लॉन्च किया है फॉर पोटेंशियल वायलेशन ऑफ 25% पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म्स इन October 2020। तो अब यहाँ पे देखिए सेबी ने क्या बोला है, दैट अडानी एंटरप्राइजेस ट्रेडिंग डेटा टू द पैनल एंड इट हैज सेड नो मैनिपुलेशन वाज फाउंड, कि यहाँ पे स्टॉक मैनिपुलेशन जो है वहाँ पे नहीं मिला है हमें। अब यहाँ पे देखिए सेबी का, अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, दैट इज ड्रॉइंग अ ब्लैंक इन अटेम्प्ट्स टू आइडेंटिफाई द 42 अल्टीमेट बेनिफिशरीज बिहाइंड 13 FPIs विद साइजेबल स्टेक्स इन अडानी ग्रुप। तो जैसा कि हमने बताया था कि FPI रूल्स जो थे, पहले भी हमने ये डिस्कस किया है 2014, उनको 2018 में अमेंड किया गया कि जो FPI इन्वेस्ट कर रही हैं कंपनीज में उन्हें खाली डायरेक्ट बेनिफिशियरी का नाम डिस्क्लोज करना है, अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है उसका नाम डिस्क्लोज नहीं करना है। तो यहाँ पे अब सेबी को ये फाइंड आउट करना है कि हु आर द 42 अल्टीमेट बेनिफिशरीज हु आर बिहाइंड दिस 13 FPIs हु हैव इन्वेस्टेड इन अडानी ग्रुप। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज तेलंगाना AP, दैट इज तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाटर डिस्प्यूट। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस तेलंगाना AP वाटर डिस्प्यूट, स्पेशली दिस इशू हैज बिकम वेरी बर्निंग इशू बिटवीन द टू स्टेट्स आफ्टर द आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। ठीक है, नाउ वॉट डिड आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 डिड, ये यहाँ पे समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है,
तो अब देखिए आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 ने क्या किया है, दो स्टेट्स बनाए हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ठीक, अब जो कृष्णा बेसिन है उसमें जो वाटर शेयरिंग करने का जो एक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, तो तेलंगाना जो है वो आपका एक ड्राउट प्रोन रीजन है या ड्राई रीजन है आप कह सकते हैं, फाइन। तो अब यहाँ पे क्या है कि सिंस द बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट्स, कुछ कृष्णा वाटर ट्रीटी के कुछ पॉइंट्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, तो तेलंगाना को जो है यहाँ पे जो वाटर जो है वो कम मिल रहा है। तो अगर आप ये डिस्प्यूट देखेंगे, सो दिस डिस्प्यूट इज सिंस नवंबर 1956, तो आंध्र प्रदेश जो अभी जो पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश मिला के एक पूरा आंध्र प्रदेश था, वो तो पहले मद्रास प्रोविंस का पार्ट था। सो बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश देयर वर फोर सीनियर लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स ऑफ आंध्रा विच इंक्लूड्स रायलसीमा रीजन एंड तेलंगाना रीजन। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, दैट इज जेंटल्समैन एग्रीमेंट इन 1956। इस एग्रीमेंट में एक प्रोविजन था, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ तेलंगाना इंटरेस्ट एंड नीड विद रिस्पेक्ट टू यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज विद इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कि मतलब तेलंगाना को भी फेयर शेयर मिलेगा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में, फेयर शेयर, राइट। उसके बाद 1961 में, 1969 में एक बचावट ट्राइब्यूनल बैठा, दैट इज कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1, टू सेटल द डिस्प्यूट अराउंड वाटर शेयर अमंग द राइपेरियन स्टेट्स ऑफ थ्री राइपेरियन स्टेट्स, थ्री राइपेरियन स्टेट्स। ओके, तो कृष्णा आपका जो रिवर है, ठीक है, इट राइजेस इन महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र एंड देन इट फ्लोज थ्रू थ्री स्टेट्स, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, अल्टीमेटली ड्रेनिंग वाटर इन बे ऑफ बंगाल। तो इस ट्राइब्यूनल ने देखिए क्या किया, इट एलोकेटेड 811 TMCFT डिपेंडेबल वाटर टू आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो उस वक्त आंध्र प्रदेश यूनाइटेड था, तो अब आंध्र प्रदेश ने क्या किया, एक और रेशियो निकाला, दैट इज 512 2:99, दैट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू रीजन्स, आंध्रा एंड तेलंगाना। ठीक, तो जब तक ये यूनाइटेड स्टेट्स थे तब तक तो सब ठीक था, बट नाउ दे हैव बीन बाइफरकेटेड। उसके बाद इस ट्राइब्यूनल ने एक और इम्पॉर्टेंट चीज रिकमेंड की, दैट इज तुंगभद्रा डैम विच इज अ पार्ट ऑफ कृष्णा बेसिन। तुंगभद्रा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर, तो इसका जो वाटर है दैट विल बी डाइवर्टेड टू ड्राउट प्रोन महबूब नगर एरिया ऑफ तेलंगाना। बट ये जो पॉइंट है ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इट वॉज नॉट इम्प्लीमेंटेड, एंड नाउ दिस इज द कॉज ऑफ टेंशन बिटवीन बोथ द स्टेट्स, दैट इज इम्पॉर्टेंट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014। अब देखिए आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 में दो स्टेट्स तो बना दिए, दैट इज तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, ये दो स्टेट्स तो बन गए। ठीक है, बट अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गई कि आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने ये नहीं बताया कि वाटर शेयर कैसे होगा दोनों स्टेट्स के बीच में, फाइन। सो देर इज नो एलोकेशन ऑफ वाटर रीजन वाइज बिटवीन दिस टू स्टेट्स, फाइन। तो यहाँ पे जो एक्ट है, ठीक है ना, तो ये इसने कुछ मेंशन नहीं किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने 2015 में एक रेशियो दिया कि जो भी आप लोगों का शेयरिंग है तो 34:66 का एक एडहॉक अरेंजमेंट बनाया कि जो भी वाटर शेयरिंग है 34 पार्ट विल गो टू तेलंगाना एंड 66 पार्ट विल गो टू आंध्र प्रदेश। ठीक है, बट ये जो अरेंजमेंट था ये एक एडहॉक अरेंजमेंट है, ये एक परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है। द नेक्स्ट इज, ये जो अरेंजमेंट है इट वॉज ओनली फॉर द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज बाई सेटिंग अप टू बोर्ड, दैट इज कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड एंड गोदावरी रिवर मैनेजमेंट बोर्ड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड इट कंटिन्यूड विद द सेम रेशियो ईयर आफ्टर ईयर इन स्पाइट ऑफ अपोजिशन बाई तेलंगाना। मतलब जो नया रेशियो है ये अडॉप्ट नहीं किया गया, ये ठीक है ना, पुराने रेशियो पे ही वहाँ पे बात बनी रही विच वॉज अपोज बाई तेलंगाना। नाउ सी वॉट इज द क्लेम ऑफ ईच स्टेट। सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो तेलंगाना हैज़ बिन आस्किंग द सेंटर टू फाइनलाइज वाटर शेयर फ्रॉम डे वन ऑफ इट्स फॉर्मेशन। मतलब अब तेलंगाना चाहता है कि आप जो है फॉर्मलाइज करो, कोई एडहॉक अरेंजमेंट मत करो फ्रॉम डे वन सिंस द तेलंगाना स्टेट वॉज फॉर्म।
सो तेलंगाना का आर्ग्यूमेंट है कि इट इज एंटाइटल्ड फॉर एटलीस्ट 70% शेयर इन द एलोकेशन ऑफ 811 टीएमएफसीटी ऑफ वाटर। उसके बाद तेलंगाना इज ऑल्सो हाईलाइटिंग कि आंध्र प्रदेश जो है, जो नया आंध्र प्रदेश है, इट हैज बिन डाइवर्टिंग अबाउट 300 TMCFT ऑफ वाटर टू द एरियाज आउटसाइड द बेसिन फ्रॉम फ्लोरिन अफेक्टेड एंड ड्राउट प्रोन एरियाज विद इन द बेसिन ऑफ तेलंगाना। मतलब जो 300 TMFCT का वाटर तेलंगाना को मिलना चाहिए, इट इज बिंग डाइवर्टेड बाई आंध्र प्रदेश। अब आंध्र प्रदेश क्या कह रहा है? आंध्र प्रदेश इज ऑल्सो स्टेकिंग क्लेम फॉर हायर शेयर ऑफ वाटर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कमांड एरियाज ऑलरेडी डेवलप्ड। ओके, अब यहाँ पे सेंटर का रोल हम देखते हैं। तो सेंटर ने अभी तक दो मीटिंग्स बुलाए हैं एपेक्स काउंसिल के, विच कंप्राइजेज द यूनियन मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ तेलंगाना एंड यू आंध्र प्रदेश, 2 साल में, 2016 और 2020 में। बट यहाँ पे कोई एक अटेम्प्ट नहीं हुआ है कि इस डील को हमको कैसे, इश्यू को कैसे सॉल्व करना है। उसके बाद तेलंगाना ने लेटर 2020 में अपना जो पेटिशन था सुप्रीम कोर्ट में उसको विदड्रॉ किया है, और मिनिस्ट्री ने एश्योर किया है कि हम ये जो वाटर शेयरिंग है एक नया ट्राइब्यूनल बनाएंगे और उसको रेफर करेंगे। बट सेंटर इज सिटिंग ऑन दैट रिकमेंडेशन फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स। द नेक्स्ट इज EU कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, जिसको हम कहते हैं CABM। ठीक है, CBAM, सॉरी। तो अब ये CBAM क्या है? CBAM का मतलब हो गया कि यहाँ पे EU ने एक नया टैक्स प्रपोज किया है, जिसको आप कह सकते हो कार्बन बॉर्डर टैक्स। अब कोई भी EU में इंपोर्ट आएगा, ठीक है, तो जो EU में इंपोर्टर होगा, दे हैव टू पे टैक्स इन द यूरोपियन यूनियन फॉर द अमाउंट ऑफ कार्बन एमिटेड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट होगी उनकी जो प्राइस है EU में बढ़ जाएगी। तो अगर जैसे ही प्राइस बढ़ा, तो इंटरनेशनल ट्रेड में क्या हो जाता है कि अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस बहुत ज़्यादा है, देन द प्रोडक्ट बिकम अनकॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो इसको आप कह सकते हो कि इट इज लाइक अ डिफरेंशियल टैक्स, ठीक है, या टैरिफ। उसके बाद EU का इसमें क्या कहना है? EU का कहना है कि दिस विल अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ कार्बन लीकेज अलॉन्ग साइड एंकरेजिंग प्रोड्यूसर्स इन ऑन यू कंट्रीज टू ग्रीन देयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो EU का कहना है कि ये जो हमारा टैक्स है, इट विल एंश्योर कि दैट नॉन EU कंट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रही है, ओके, दैट बिकम्स मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली। इफ यू विल सी दैट EU का अपना एक गोल भी है, दैट इज कॉल्ड एज यूरोपियन ग्रीन डील, जिसका ऑब्जेक्टिव है टू अचीव 55% रिडक्शन इन कार्बन एमिशन कंपेयर टू 1990 लेवल्स बाय 2030 एंड बिकम अ क्लाइमेट न्यूट्रल कॉन्टिनेंट बाई 2050। ठीक, अब वाई इट इज अ प्रॉब्लम। अगर आप देखें कुछ प्रोडक्ट्स जिनको इसका मार झेलना है या जिनकी प्राइसेस बढ़ जाएगी, दोज आर सीमेंट, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी एंड हाइड्रोजन सेक्टर। उसके बाद 2021 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने का एक रिपोर्ट है जो कहता है कि रशिया, चाइना एंड तुर्की ये सबसे ज़्यादा एक्सपोज्ड है इस मैकेनिज्म को। उसके बाद देर आर सर्टन कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका, इट विल बी मोस्ट अफेक्टेड अमंग द डेवलपिंग कंट्रीज, एंड मोजाम्बिकी विल बी मोस्ट अफेक्टेड इन द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। उसके बाद अगर आप EU की बात करें, तो पूरा EU मिला के दे कंप्राइज 14% ऑफ द इंडियाज एक्सपोर्ट, एंड स्पेशली इंडिया इज एक्सपोर्टिंग स्टील एंड एल्यूमिनियम, जिनके ऊपर ये टैक्स जो है वो लगने वाला है। नाउ सी व्हाट आर द अदर थिंग्स व्हिच वी हैव टू टेक इन माइंड, दैट इज EU इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। ओके, एंड अगर हम CBAM लगाते हैं, सो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट इंडियाज एक्सपोर्ट। अब उसके बाद ये इंडियन प्रोडक्ट्स अगर आप देखेंगे, सो दे हैव वेरी हाई कार्बन इंटेंसिटी देन इट्स यूरोपियन काउंटर पार्ट, सो डेफिनेटली जो कार्बन टैरिफ इंडियन प्रोडक्ट्स पे लगेंगे वो काफ़ी ज़्यादा होंगे एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज, मेकिंग द इंडियन प्रोडक्ट अनकम्पटिटिव इन यूरोपियन मार्केट। नाउ वॉट इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राई इज डूइंग ऑन दिस इशू, तो आपने पढ़ा था कि एक इनॉग्रल एडिशन रखा गया EU इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल का, जहाँ पे दोनों साइड्स हैं, दैट इज इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, दे आर वर्किंग टू, दे आर इंटेंसीफाइंग देयर एंगेजमेंट ऑन कार्बन बॉर्डर मेजर्स। द नेक्स्ट इज इंडिया रेजेस टेररिज्म इशू एट G20 मीट, लैम्बास्ट पाकिस्तान। ठीक है,
सो इंडिया हैज़ फ्लैग द इशू ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एट G20 इवेंट ऑन ट्यूजडे एंड लैम्बास्टेड पाकिस्तान फॉर इट्स बिड टू अपोज द थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग इन श्रीनगर। अब यहाँ पे जो मीटिंग थी ये कहाँ पे था, श्रीनगर में था, तो जिसको लेके पाकिस्तान ने पहले ही ऑब्जेक्ट किया था। कुछ कंट्रीज ने ये मीटिंग अटेंड नहीं किया, दैट इज चाइना, तुर्की एंड सऊदी अरेबिया, दे आर ऑल G20 मेंबर्स एंड इजिप्ट अ स्पेशल इनवाइटी, दे डिड नॉट अटेंड द मीटिंग आफ्टर पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव टू इंडिया मूव टू होल्ड अ मीटिंग इन श्रीनगर। तो यहाँ पे ये कंट्री के नाम थोड़े हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, दैट इज चाइना, तुर्की एंड सऊदी अरेबिया एंड इजिप्ट विच इज अ स्पेशल इन्वाइटी। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा कि इजिप्ट इज नॉट अ मेंबर ऑफ G20, इट वॉज जस्ट अ स्पेशल इन्वाइटी। द नेक्स्ट इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमने कुछ दिन पहले यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में पढ़ा था, द न्यू चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज मनोज सोनी। सो यहाँ पे रिजल्ट भी आया है UPSC का, वेयर वुमेन हैव स्कूप्ड अप द टॉप 4 रैंक्स इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 कंडक्टेड बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। सो द टॉपर इज इशिता किशोर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट COVID-19 दैट इज इंसा को। नाउ सी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इंसा को, दैट इज द इंडियन सार्स COVID-19 टू जीनोमिक्स कंसोर्टियम। ठीक है, तो जितने भी जीनोमिक सिक्वेंसिंग होती है कोरोना वायरस की इंडिया में, दैट इज डन बाय इंसागोक लेबोरेटरी। सो इट इज अ मल्टी लेबोरेटरी, मल्टी एजेंसी। मल्टी एजेंसी मतलब यहाँ पे ICMR, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, देन यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इन सब का मिल के बनाया हुआ है ये इंसागोक। ठीक, अब इंसागोक ने पिछले मार्च 27 से कोई वीकली बुलेटिन नहीं निकाला है अबाउट द COVID-19 वेरियंट। तो इसका जो मेन जॉब है दैट इज सिक्वेंसिंग एंड कीपिंग एन आई आउट, मतलब ट्रैकिंग न्यू सार्स COVID-19 टू वेरियंट्स ऑफ कंसर्न। उसके बाद हम आते हैं सर्वेलेंस नेटवर्क। तो देखिए, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इट हैज़ वॉर्न द कंट्रीज दैट द कंट्री शुड नॉट लुक अवे फ्रॉम COVID-19, और मई 20 को इट हैज़ लॉन्च द ग्लोबल नेटवर्क टू हेल्प प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज थ्रेट थ्रू आउट द पावर ऑफ पैथोजन जेनोमिक्स। मतलब एक नेटवर्क लॉन्च हुआ है जिसका नाम है द इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क। इस नेटवर्क का जॉब क्या होगा, इट विल कनेक्ट द कंट्रीज एंड रीजन्स, इम्प्रूविंग सिस्टम्स फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द सैम्पल्स, जो कि COVID-19 में काफ़ी ज़रूरी है सैम्पल को एनालाइज करना, एंड देन जो डेटा इससे मिलेगा इसके बेसिस पे पब्लिक हेल्थ डिसीजन मेकिंग होगी। द नेक्स्ट इज इंडिया गिव बांग्लादेश की रेल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अगर आप देखें, दैट रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैज ऑफर्ड बांग्लादेश द यूज ऑफ IT सिस्टम डेवलप बाई PM गतिशक्ति स्कीम। तो PM गतिशक्ति स्कीम के बारे में हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसके अंदर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को इंक्लूड किया गया है। तो इट इज़ द मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम विद द इंटीग्रेशन ऑफ 16 मिनिस्ट्रीज। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि अब इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है, इट हैज़ हैंडेड ओवर 20 ब्रॉड गेज लोकोमोटिव टू इट्स ईस्टर्न नेबर। द नेक्स्ट इज चीता कब डाइज इन पुनो पार्क। तो जैसा कि हम जानते हैं कि दो कब्स जो हैं, दो चीता, वो पहले ही उनकी जान जा चुकी है कुनो नेशनल पार्क में। नाउ वन मोर चीता, दिस टाइम अ कब विच इज 2 month ओल्ड कब, इट वॉज बॉर्न टू ज्वाला, विच इज अमंग द सेट ऑफ 8 चीताज इम्पोर्टेड फ्रॉम नामीबिया। नामीबिया से 8 चीता लास्ट ईयर आए थे, 5 फीमेल 3 मेल। तो उसमें से जो ज्वाला के जो बच्चे हुए थे, 4 बच्चे बॉर्न हुए थे, उसमें से जो 2 month ओल्ड कब दैट हैज डाइड। नाउ वॉट इज द रीजन फॉर द डेथ, दैट इज वीकनेस। सो दिस इज द 4th चीता टू हैव डाइड इन इंडिया सिंस 20 एनिमल्स हैव अराइव्ड, 8 फ्रॉम नामीबिया एंड 12 फ्रॉम साउथ अफ्रीका, and they have been introduced in Kuno National Park. So if you will see Daksha, कितने चीता का वो हुआ है, तो Daksha after the injuries, उसके बाद Sasha and Uday. So Sasha died in February, Uday died in April and Daksha died in May. The next is ISS welcomes its first Saudi astronauts in private mission. So this is also important. So if you will see, a SpaceX capsule which carried 2 Saudi astronauts which have been welcomed at ISS. ये जो ISS है, it is International Space Station. So now if you will see that Rahena Barnwal, she has become the first Saudi woman to go into space, and Ali Al Karni, a fighter pilot, these are the first 2 persons from their country to fly to orbital outpost.
नेक्स्ट इज रशिया एक्सटेंड्स वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्टर्स डिटेंशन टिल अगस्त 30। तो ये हमने न्यूज़ पहले भी किया है, तो यहाँ पे ये नाम जान लो, ठीक है। तो रशिया ने एक वॉल स्ट्रीट जर्नल के जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया था पहले, अब उनका जो एक्सटेंशन है वो बाय 3 मंथ्स बढ़ा दिया गया है टिल अगस्त 30। द नेम इज इम्पोर्टेंट, दैट इज इवान गैस्कोविच। सो ही हैज बीन अरेस्टेड इन मार्च फॉर स्पाइंग। द नेक्स्ट इज पाकिस्तान के बारे में हमने कल किया था, तो एक न्यूज ले लेते हैं, दैट इज कोर्ट हैज ग्रांटेड इमरान प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट इन टेररिज्म केसेस। तो पहले इनको इस्लामाबाद कोर्ट ने भी प्रोटेक्शन दिया, फिर हाई कोर्ट ने भी इनको बेल दे दिया, एंड नाउ द कोर्ट हैज ग्रांटेड इमरान प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट। द नेक्स्ट इज IMF आस्क श्रीलंका टू रीच टाइमली रिस्ट्रक्चरिंग डील्स विद क्रेडिटर्स। सो IMF ने पहले श्रीलंका को लोन दिया, ठीक है। सो द लोन वॉज 3 मिलियन शॉर्ट टर्म लोन। इट वॉज गिवन ऑन अ कंडीशन कि श्रीलंका हैज टू रीच द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ डेब्ट डील्स विद द क्रेडिटर्स, ठीक है। सो यहाँ पे IMF ने कहा है कि दैट श्रीलंका इज शोइंग द साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड इट हैज अर्ज द आइलैंड नेशन कि आप जल्दी से अपने क्रेडिटर्स के साथ एक रिस्ट्रक्चरिंग डील्स पे पहुंचिए, ताकि जो आपकी डेब्ट सस्टेनेबिलिटी है वो रिस्टोर हो, आपके इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़े। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रेसिंग स्टूडियो विंस 2 स्टार्स एट द मैकेलिन दुबई 2023 अवार्ड्स। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया शोन ब्राइट एट द 2023 मैकेलिन अवार्ड फॉर दुबई। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे दैट देर आर अवार्ड द प्रेस्टिजियस गाइड सीन एज द ऑस्कर्स ऑफ द फूड इंडस्ट्री, ठीक है। सो इट वॉज लॉन्च इन फ्रांस इन अर्ली 1900। ये अवार्ड के बारे में बात हो रही है एंड इज नाउ इन 41 डेस्टिनेशन विद दुबई अनवील लास्ट ईयर। तो इसमें काफ़ी सारे डेस्टिनेशन होते हैं, उस डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर किया जाता है। तो इसमें टोटल ऑफ 14 रेस्टोरेंट्स हैव वन स्टार्स दिस ईयर विद 11 रिसीविंग 1 स्टार। तो यहाँ पर जो ट्रेसिन स्टूडियो है इट हैज़ वन द 2 स्टार्स। सो वी विल सी बिसाइड ट्रेसिन एंड रेस्टोरेंट निको रोमिटो एंड स्टे बाई यानी कैलेने दे हैव गॉट द 2 स्टार्स ईच रिटेनिंग द स्टार्स फ्रॉम वन लास्ट ईयर। द नेक्स्ट इज ओमकार वालवे ऑफ अवतारा, ठीक है ना। अवतारा ये फोकस करता है वेजिटेरियन फाइन डाइनिंग में एंड डिस्क्राइब्स इट कोजीन एज सोलफुल इंडियन। इट हैज वन द यंग शेफ अवार्ड, राइट। देन अवतारा हैज ऑल्सो वन इट्स फर्स्ट मिचेलिन स्टार अलॉन्ग विद डिनर बाई हेस्टन मैनेथल एंड मोन राइस। द नेक्स्ट इज वन लाइनर फ्रॉम द स्पोर्ट्स। सो सी ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा बिकेम द वर्ल्ड नंबर वन फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज करियर इन द लेटेस्ट मैन जेवलिन रैंकिंग इशूड बाई वर्ल्ड एथलेटिक्स। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो वर्ल्ड एथलेटिक्स ने मैन जेवलिन रैंकिंग जो निकाली है उसमें नीरज चोपड़ा इज एट द टॉप विद 145 पॉइंट्स। इट इज 22 अहेड ऑफ ग्रेनेडाज रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन एंडरसन पीटरसन 1433। लास्ट ईयर ही वॉज रैंक नंबर 2 बिहाइंड पीटर्स। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट टुमारो अगेन विद द डेली हिंदू एनालिसिस। टिल देन हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, थैंक यू।